अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम बेटा। बेटा, मुझे तुमसे दानिया की मंगनी के बारे में एक बात पूछनी है। जी अंकल पूछिए। दानिया की मंगनी की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। अंकल आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। मुझे पता है कि तुमने वही किया जो मैंने कहा था, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि दानिया इस मंगनी से खुश है कि नहीं, या उसे कोई स्टूपिड किस्म की कुर्बानी दी है? वैसे तो वह तुम्हें हर बात बताती है, तुम्हें हर चीज पे कन्फाइड करती है, तो उसे तुम्हें यह क्यों नहीं बताया कि यह एक महज डील है और मंगनी नहीं? आप जानते हैं अंकल, ये मंगनी उसने आपसे डील करने के लिए की है। मुझसे डील करने के लिए? क्या मतलब? अंकल वो चाहती थी कि तानिया आंटी और सनम जी का कन्फ्रंटेशन हो जाए, और इसके बाद या तो आंटी वापस घर आ जाए या फिर आपकी शादी। स्टॉप इनफ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अंकल आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको पूरी बात बता देता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद आप और दादो घर में अकेले रहे। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अंकल मैंने दानिया से भी बहुत सारी बातें छुपाई हैं, आपकी बीमारी के बारे में, सर्जरी के बारे में। उसको उसको शक था, उसने मुझसे बार बार पूछा, बल्कि वो तो मुझसे नाराज हो रही थी कि मैं उसको कुछ बता नहीं रहा। लेकिन मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, क्योंकि जितना आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना, उतना ही भरोसा मुझ पर दानिया भी करती है। जो कुछ भी है, डील वाली बात सुन के तो जी चाह रहा है कि इस मंगनी को ही तोड़ दूंगा।